आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए थे दैट इज अबाउट लाइक डायनेमिक एंड स्टैटिक मैट्रिक्स एंड फ्यू अदर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। टुडे विल फिनिश यूनिट 3 एंड विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 4। सो आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन। एज यू कैन सी we have things like software product matrix. So software product matrix mein what things we consider? Function in, function out. That is kitne functions hai. Function in ka matlab hai ki how many functions we are calling and in which place we are calling. Jaise hum log ke paas library hai bahut bada sa, so that is considered as function in. Theek hai? So yaad rakho, if we have a library jahan se main koi functions, if I am calling, so that's going to be function in, and if we have some functions which generates output for us, so wo function out ho gaya. So we have a library or we have defined some functions jisko hum log baad mein inherit kar rahe hain, so wo function in ho gaya. Bahut simple hai. Then we have length of code, how many lines of code we are writing, वो आपका ये वाला मैट्रिक्स हो गया. कॉम्प्लेक्सिटी, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, लाइक आई हैव अ फॉर लूप, लेट्स सपोज वी हैव फॉर लूप, इन दिस फॉर लूप आई हैव इफ कंडीशन, देन इन इफ आई हैव व्हाइल कंडीशन, बराबर है, इन व्हाइल अगेन आई हैव सम अदर व्हाइल कंडीशन, एंड देन अगेन आई हैव फॉर लूप. सो ये क्या हो गया, दिस इज द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, कि वी हैव नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप या नेस्टेड कंडीशंस, जहां पे इन वन कंडीशन, इन वन लूप वी हैव सम अदर लूप, तो इसको हम लोग साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे. देन नेक्स्ट वी हैव लेंथ आइडेंटिफायर्स, जहां पे वी बेसिकली ट्राई टू आइडेंटिफाई कि एवरेज हम लोगों का प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, कहाँ पे हम लोग उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर वी कैन इजीली इनहेरिट फ्यू थिंग्स विच आर रेडिली अवेलेबल, तो हम लोग कहाँ पे हम लोग के प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट इट इज मोर अंडरस्टैंडेबल वे. Then depth of conditional nesting. So यहाँ पे देखो ये nesting जो है and this two are interrelated. ठीक है, cyclomatic complexity and nested conditions. So ये दोनों interrelated रहेंगे because nesting जितना बड़ा होगा उतना cyclomatic complexity बड़ा रहेगा. Cycle मतलब जैसे for loop है. So if I say for loop में I equal to 10, I is less than sorry I equal to 1 है. Then I is less than 10 and I plus plus. तो ये क्या हो गया, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, 10 टाइम्स ये घूमते रहेगा. अब ये जो लूप है इसके अंदर मैंने वापस इफ कंडीशन डाल दिया, तो जितने बार ये लूप में जाएगा इट विल ऑल्सो एग्जीक्यूट दिस इफ कंडीशन. देन इन इफ आई हैव ऑल्सो एडेड व्हाइल कंडीशन, तो ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हो गया. सॉरी. सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हुए हैं, नथिंग दैट डिफिकल्ट एज ऑफ. सो ये आपका वो पार्ट हो गया. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स आएगा जिसके अंदर हाउ मेनी इनहेरिटेंस वी हैव, लाइक वी हैव ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सॉरी समझ लो कि हम लोग के पास ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है. ठीक है, सो इनहेरिटेंस में आई विल से कि मेरे पास एक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, देन उसमें से कौशिक प्लीज लीव दिस मीटिंग. कौशिक? यस सर. या प्लीज लीव दिस मीटिंग. यस सर. लीव दिस मीटिंग, बाहर जाओ. Okay, so we'll continue. So as you can see, we have object-oriented matrix. Now, object-oriented matrix mein what things are added here? First is depth of inheritance. So depth of inheritance mein kya aayega? We have, let's suppose, great grandparents. ठीक है, ये मेरा एक main class है. This will be inherited by grandparents. This will be inherited by parents. This will be inherited by suppose child.
Then again we have child of this child class. So like as you can see यहाँ पे हम लोग के पास this grandparents might be having two childs. तो यहाँ पे दो parents हो सकते हैं. Then इसके वापस कोई दूसरे child हो सकते हैं, है ना. And इसके वापस कोई दूसरे child हो सकते हैं. So that way we might be having multiple such depth. तो वो कितना बड़ा रहेगा वो बताएंगे. Then again method in, function out. कितने बार कौन से फंक्शंस हम लोग कॉल कर रहे हैं और कौन से फंक्शंस का आउटपुट मिलेगा फाइनल. वेट ऑफ मेथड्स पर क्लास कितने इंपॉर्टेंट है वो. कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है फॉर आर एप्लीकेशन. लाइक वी हैव अ रिजल्ट जनरेशन, तो वेट उसका बहुत ज्यादा हो गया, राइट. एंड वी हैव सम मेन रिजल्ट जनरेशन फंक्शंस जिसके बिना हम लोग का काम नहीं चलेगा. सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर. देन वी हैव नंबर ऑफ ओवरराइडिंग ऑपरेशंस. अगेन वो आएगा यहाँ पे. सो ओवरराइडिंग में कौन सा आएगा, इफ वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. तो क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग इज द मेन कंसेप्ट. अगर इनहेरिटेंस ज्यादा है सो कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फिज्म ही आएगा ना, जहां पे हम लोग इनहेरिटेंस का ही एक पार्ट पॉलीमॉर्फिज्म है और वहां पे हम लोग बहुत सारे मेथड्स को ओवरराइड कर रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ग्रैंड पेरेंट्स क्लास, सुपर क्लास. कहां पे, चाइल्ड क्लास में. सिंपल. तो ये कैलकुलेशंस जो है वो हम लोग ऐड करते हैं. मेजरमेंट एनालिसिस वही जो ऊपर टेबल देगा उसी के बेस के ऊपर, नथिंग न्यू, यू कैन जस्ट रीड इट आउट. नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी. एज नेम सजेस्ट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट मतलब द नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलोड बाई अस. अब वहां पे हम लोग कहां कहां पे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच हम लोगों का जो कोड है वो और बेटर हो जाए और प्रॉपर हो जाए, राइट. एंड वी माइट बी हैविंग कॉम्प्लेक्स कोड जिसको हम लोग थोड़ा नॉर्मल बनाने का ट्राई करेंगे. सो इफ यू कैन नोटिस योर प्रोसेस इंप्रूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस, इंट्रोड्यूसिंग प्रोसेस चेंजेस टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रीवियसली वी वर वर्किंग विद जावा बट नाउ पाइथन इज मोर बेटर, more simple compared to Java. So now we'll move on to that part. So rest of our application will be developing using Python, or else I can say ki, okay, we have some ready functionality or frameworks available to develop this. So hum log kya karenge, directly wo jo ready functionality ya framework available hai, we'll take help of that. Same way for testing also we have few such things available. Market में आपके पास बहुत सारे ऐसे companies है which helps you to test your software. Load testing के लिए, early testing के लिए, mobile app testing के लिए. So we will not be testing it ourselves. We'll just include those third parties who are best at their work. तो क्या होगा, I'll focus on development part और बाकी के जो चीजें like testing, designing will be handled by the specialist. So that is the process improvement part. So process classification आपके चार pattern में होंगे. Informal, informal क्या होगा, development team choose their own way to working with it. Like we don't have any standard way. Because we have enough experienced developers, so we can just give them a freedom, let them develop the way they find it more comfortable, and they can develop in a more faster manner. Because if we are developing a project for first or second time, that time we supposed to follow all the guidelines, rules, standard process and everything. But if I'm working or developing some projects for like last 3, 4, 5 years or more, then I don't need to follow the same standard process or protocols. I can directly just follow my own way, which is more suitable to me, or which is I find more faster compared to the standard one. So at the end, quality is more important. That you have finally wo same quality achieve hona chahiye. Any which way developer develops, that's fine with us. ठीक है. Then ये सब कुछ जो है वो मैनेज फॉर्मेट में होना चाहिए. मतलब everyone should know their roles and responsibility properly, their timeline or a schedule. That should be well understood or well defined. So हर किसी को पता होना चाहिए. That is the management part. So we have manager, manager के अंदर teams रहेंगे. For each and every team we have a team leader. Team leader will individually discuss or work with their team members. That is thing. Then we have methodology, which SDLC model we will be using, like RUB, rational unified, agile use karenge, iterative incremental,
And then continuous improvement, मतलब extreme programming we are talking about. So these are the points, और वो जो मैंने आपको बताया वही same यहाँ पे example के through explain किया हुआ है. Next we have a process tool support, like for we have different processes जो ऊपर हम लोगों ने discuss किए, and to achieve or to work with or to follow such processes we have many different open source software, some automation testing tool, some frameworks for the development, some softwares for the designing, and few other softwares or some of their plugins for database designing to handle the database properly. तो ये हम लोगों के patterns हो गए और tools हो गए. Tools मतलब we are talking about different softwares or different APIs. API समझते हैं, जैसे Google Map का API है, through which we can easily inherit the functionality of Google Map on our application or within our application. So वो हो गया. तो process improvement same चलेगा. Major कहाँ पे changes की जरूरत है, बराबर है. How we can improve ourselves, बराबर है. वो measurements analysis चलेगा, change again major करेंगे. तो ये same continuous cycle चलते रहेगा. और इसके अंदर अगर डिटेल में देखोगे, इट वर्क्स लाइक अ स्पाइरल वन. इफ यू रिमेंबर स्पाइरल अप्रोच हम लोगों ने जो फॉलो किया था. सो दैट्स इट अबाउट द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस मेजरमेंट. सो वी हैव डिफरेंट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स फॉर द प्रोसेस मेजरमेंट. अब रिमेंबर, सेट ऑफ प्रोसेस या कलेक्शन ऑफ प्रोसेस जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका एक प्रोजेक्ट बनेगा, बराबर है ना. तो एक छोटे छोटे यूनिट्स पार्ट आपका प्रोजेक्ट के जो छोटे छोटे यूनिट्स या पार्ट्स रहेंगे, टू डेवलप दैट वी फॉलो वन और दी अदर प्रोसेसेस. सो यहाँ पे इफ यू कैन नोटिस वी हैव डिफरेंट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स. सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी. आप जो भी बना रहे हैं वो कितना ईजी है समझने के लिए, है ना, सामने वाले को. आपने बनाया तो इट इज वेरी सिंपल, इट ऑफकोर्स अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, बट हाउ मच इट इज ईजी फॉर अदर, योर कलीग्स और सम अदर टीम मेंबर्स. विजिबिलिटी अगेन, प्रोग्रेस ऑफ आर प्रोजेक्ट. जहाँ पे आई कैन से कि ओके वी हैव डिफाइंड टोटल 100 प्रोजेक्ट्स, उसके बाजू में सबके बाजू में एक चेकलिस्ट रखेंगे हम लोग. सो इफ वी आर डन विद फर्स्ट 10 फंक्शंस, तो विल जस्ट पुट अ राइट ऑन दोस चेक बॉक्सेस. सो जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ओके दिस मच फंक्शनलिटी इज डन. सेम वे फॉर टेस्टिंग ऑल्सो, विल क्रिएट अ टेस्ट केस टेबल लाइक अ एक्सेल टेबल. वहां पे भी विल पुट अ चेक बॉक्स. सो एज सून एज वी आर डन विद वन और दी अदर टेस्ट, विल पुट अ मार्क दैट इज डन, पास फेल क्या है वो हम लोग बता देंगे. सपोर्टेबिलिटी, वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक केस टूल्स है, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स है, लाइक सिलेनियम है. सो दोज आर द सपोर्टेबिलिटी में आएगा वो. एक्सेप्टेबिलिटी, how easy you have developed a user friendly thing we are talking about. ठीक है, तो that's first thing. और user friendly में हम लोग basically talk about legacy of the older software. So वो आएगा. Then reliability में we basically talk about mean time between failure and mean time to recover. बहुत बार discuss किया हम लोगों ने. So failure should be minimum and recovery should be faster, as simple as that. Robustness, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आता है इन एनी वन पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर, सो इट शुड नॉट बी अ रीजन टू ड्रैग योर कंप्लीट सॉफ्टवेयर डाउन. बराबर है, कोई एक पार्ट अगर बंद हो रहा है वी कैन वर्क ऑन दैट, बट इफ यू आर फेसिंग एनी वन एरर और अ फेलियर इन वन पार्ट एंड इट लीड्स टू फेलियर और शट डाउन ऑफ द कंप्लीट सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर, दैट इज नॉट द थिंग. सो रोबस्टनेस शुड बी देयर. इफ एनी अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्स इन एनी वन पार्ट, याद रखो कंप्लीट सॉफ्टवेयर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, एक साथ पूरे सॉफ्टवेयर में नहीं आएगा, दैट इज वेरी रेयर सिनेरियो. सो कोई एक स्पेसिफिक मॉड्यूल या सब मॉड्यूल में ओनली यू विल फाइंड वन और दी अदर एरर. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग सच एरर्स, इट शुड नॉट ड्रैग डाउन द कंप्लीट सिस्टम डाउन. So that is the main point. Okay. Then maintainability, of course, maintainability will be talk about four factors: corrective, adaptive, perfective, and preventive maintenance. If you remember, already kiya. Rapidity, like delivering the system at a faster pace. As we know, in today's cutthroat competition, it is quite difficult to maintain the interest of your client or end users or whoever working on your system. So it should be very much required, if we have some bugs or something,
or if we are finding few things which are missing as per the current trends or technology, or few things or functions which are updated in your competitor's software or a system. So it should be there in your system as well. So rapidity should be there. Clear? If you are not rapid enough, your users will move to some other system. But it should not be so rapid at same point of time कि आपने बनाने के लिए बताने के लिए कुछ तो add कर दिया. Like we have example of Google Plus. So आप देखो Google Plus when very first time Google launched it, तो वो time पे क्या था कि people were excited about it and Facebook was not that big जितना बड़ा वो आज है. Like right now if we say Facebook and Google are almost at the same level. I'm talking about finance level as well and reputation as well. But when Google launched Google Plus, so it was mainly to drag down Facebook. और Google जो है वो अपना dominance एक जो है वो maintain रखने की try कर रहा था. But how they failed is कि they are in so much hurry कि they have just launched their beta version of Google Plus. अब when people tries to sign up there, तो क्या था कि if I send you a request, then only you can sign up. Then if you send request to someone else, then only those people can sign up. Now if I don't have any person who can send me a request, who is already there on Google Plus, then it's quite difficult for me to sign up there. It's fine. I won't be signing up there. और उससे drawback क्या हो गया कि in the excitement which was there with people, वो धीरे-धीरे कम होते गया. And second thing, there was exactly a replica of Facebook. There is nothing unique about Google Plus. Like we have games or something on Facebook. Now I don't have any such feature there. Getting. We have only a profile upload, profile picture we can add. We can upload some photos, post or videos or something like that. So it won't create much difference because same thing are available on some other platforms as well. Then why should I go for Google Plus? That was as simple as the thing. कि वहाँ पे people were not focusing more on Google Plus and at the end बंद हो गया वो अभी. And Facebook का dominance जो है वो उतना बढ़ गया. I mean क्या होता है कि if your software is not up to the mark, तो Facebook का जो value था ना वो बढ़ गया. People will find Facebook more better. अब देखो कि if there are no competitor in market against the Facebook, so you will find कि okay ठीक है Facebook है, ये options है, वो options है, that's fine. But now you find कि okay we have Google Plus, लेकिन Google Plus is so worst compared to Facebook, so Facebook का reputation जो है वो automatically increased because उसने find because Facebook proved itself better in front of their rivals. Okay. Just 1 minute. So that was the thing कि market में competitor नहीं है and now we have a competitor और उसके सामने if we are proving ourselves a bit weak, तो आपका जो rival है उसका reputation, उसका image बढ़ जाएगा, number of users will trust on that will be more. सेम थिंग इज हैपन, गूगल का मिस्टेक हुआ. गूगल ने रैपिड डेवलपमेंट तो फॉलो किया लेकिन वो रैपिड कुछ ज्यादा ही रैपिड हो गया कि पार्शियली बीटा वर्जन जो आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए ऐड करना था, दैट यू हैव लॉन्च्ड फॉर यूजर्स एंड एज अ रिजल्ट इट फेल्ड मिजरेबली. और फेसबुक जो है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट और बढ़ गया. सो एज यू कैन सी वी हैव अ क्लासेस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट.
time taken like calendar time or effort to complete an activity or a process. So classes of process measurement में कोई एक unit कोई एक sub part how much time it takes. So first time taken like calendar time like 1 week 10 weeks or something. Or if I say कि the efforts to complete it like our 10 developers worked continuously on that software for like 10 days. ठीक है 12 to 15 hours per day they worked for continuously 10 days. So that is also efforts. Then resources, total efforts in persons, day wise, ये हम लोग find करेंगे. So कितने developers और उनको कौन से different softwares are required and उसके साथ में few other hardware like laptop, printer, scanner, any such things. So हम लोग बताएंगे. Then after the development, how many times we have faced one or the other defect? If you remember, we have different categories of the defect. हम लोगों ने already discuss किया. I'll just quickly revise. One is critical one. Okay. If you don't know, just note it down. Critical है. First type is. So critical के अंदर क्या हो गया? Most important part of your software failed and we don't have any other alternative. तो उससे क्या हुआ? Your complete software went down. Then next we have is major one. So major के अंदर क्या होगा? Most important part or software or part of your software failed, but we do have alternative for this. Then next we have is moderate. तो moderate के अंदर क्या होगा? कोई आपका software का part fail नहीं हुआ है, but it's not generating correct result. ठीक है, like we have a ATM का example. So if I try to withdraw 5000 rupees, but ATM के पास 4900 ही है. So it gives me 4900, लेकिन transaction वो 5000 का बता रहा है. So that's a mistake. Now I'll create a issue if I receive 100 rupees less. लेकिन अगर मुझे suppose by chance ATM के पास में सिर्फ 2000 के notes थे, so when I try to withdraw 5000 rupees, तो उसने मुझे 2000 के 3 notes दे दिए. So this time people won't create any issue. So ये क्या हो गया? Your system or a software is not generating a correct result. That is the moderate type of a defect. Third, we talk about is cosmetic. So cosmetic like look and feel, or it related to GUI. So कोई buttons, कोई चीजें आपने इतना smoothly रखा नहीं है, which helps, which provides a user friendly environment. So that is the cosmetic one. And last is minor defect. So minor defect का मतलब कोई spelling mistake या something, that's considered as the minor defect. So total 5 types of defects are there. तो इसमें से कौन से type के defect आपको you have discovered and इसमें से which defect we supposed to service first? Like we have a minor defect, spelling mistake. But during college admission, if the spelling of a college is wrong on college website, then that will create a problem. Like out of 100, like 30-40 students just went out because spelling naam ka college ka spelling jo tha wo wrong tha. So as you can see, minor defect, but priority might be higher at some point of time. Kyun? Because admission time chal raha hai, to jo bhi agar students aayenge, getting wo students will first look at the spelling of that website. College spelling, sorry. तो अगर वो college का नाम या spelling अगर wrong है, मतलब student will find कि okay ये कोई दूसरा college है. So जो admission के लिए आ रहे थे, now suppose every students I charge 20,000. अगर ऐसे 10 student भी अगर चले गए, so मेरा तो 2 lakh का नुकसान हो गया, just because of this minor error. So we basically identified or discovered number of defects in our system or a software. अब इसमें से कौन से defect या error को first we supposed to service, that's basically defines based on priority. ठीक है, so priority plus type of defect, ये दोनों combine होगा and then we'll decide कि किसको आपको पहले solve करना है. तो जिसका priority highest होगा उसको हम लोग first service देंगे. For example, as I said कि अगर spelling mistake है but priority highest is because admission time is going on. So priority is highest for this minor. So instead of going or solving moderate defect first, we'll first think about or we try to solve this minor defects. So jiska priority highest rahega out of this 5 category, wo pehle solve karenge. So that is the example of this class process measurement. Goal question matrix. Goal kya hai? Bahut simple hai abhi.
I don't think we supposed to waste much time here. Okay, process analysis and modeling. Modeling का मतलब होगा try to make some designs which are user or sorry, which are developer understandable. बराबर है? So we got some design, we got some requirement from the users and we converted or we we basically put those designs in one or the other types of models. Models का मतलब हो गया we might be having architectural design, high level design, detail design, case tools, algorithms. So that is the modeling part. तो ऐसे कुछ हम लोग डालेंगे और उसके बेस के ऊपर then we'll work on developing the software. That's it. So process design में as we know एक्टिविटी होगा, प्रोसेस होगा, डिलीवरेबल एंड क्या conditions के बेस के ऊपर डालेंगे. तो आप जो केस टूल्स यूज करके आप जो डायग्राम्स बना रहे हो, those डायग्राम्स वी आर टॉकिंग हियर, नथिंग एल्स. सो किसका क्या रूल्स रहेंगे, इफ देर आर सम एक्सेप्शंस व्हिच वी सपोज टू ऐड, तो वो भी हम लोग डायग्राम में ऐड करेंगे. नाउ दिस इज एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल्स. तो इसके लिए मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी आर वेरी वेल नो और कम्युनिकेशन जो एरो का डायरेक्शन जो साइड पर रहेगा that is the direction of the communication. So it might be in a unidirectional or bidirectional. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, we have this example, we have a role test engineer, we have preconditions कि उसके पास कुछ basic कुछ चीजें होने चाहिए. Post condition after running such tests, वो क्या रहेगा, output क्या रहेंगे, है ना, and input आपको कहाँ से मिलेंगे, module specification में से. So we have module compiled. Without syntax error, बराबर है. Now remember ये जो भी test होगा वो runtime वाला हम लोग बात कर रहे हैं. मतलब the test you will find is not a compile time error, it's a runtime error. मतलब your software is running now, but during that execution process it finds one or the other type of a runtime error. जहाँ पे आपका compilation के बाद में आपका software पे if I provide some or the other type of a input, so input को properly process नहीं कर पा रहा है. So for this reason we try to test our software और जहाँ कहीं पे अगर runtime error की वजह से आपका system अगर बीच में ही चलते अगर बंद हो रहा है, then we'll take the help of exception handling, try catch blocks add करते हैं हम लोग. अपने Java में पढ़ा रहेगा, C++ में भी पढ़ा रहेगा. So that is the thing. Activity in modeling testing बहुत simple है. Testing report क्या होंगे, execution, module test, basic है, आप देख लेना. प्रोसेस एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया, प्रोसेस चेंज जब कभी अगर हम लोग वहां पे कहीं पे कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, एज एन टाइम चेंजेस या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होंगे, वैसे कोई न्यू फंक्शंस आपको डेवलप करने आ रहा है, या वी आर यूजिंग सम डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स टू डेवलप समथिंग, सो प्रोसेस चेंज होगा. बहुत सिंपल है. इफ आई जस्ट फाइंड इट आउट प्रोसेस चेंज, लाइक प्रीवियसली आई वॉज जस्ट यूजिंग waterfall model for the development, but now I find instead of waterfall V model verification validation model हम लोगों ने already देखा है, that is the better one. तो मैंने क्या किया, process improvement में I have used this process, उसके base के ऊपर priority improvements कहाँ कहाँ पे जरूरत है, मतलब existing जो हम लोगों का waterfall model है उसमें सारे phases में changes नहीं होंगे, बराबर है, the way we execute those phases that will be changed. तो process plan change कहाँ पे होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वी मॉडल में हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो डिजाइनिंग डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पार्ट, ये सेम ट्रेनिंग के बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे और लोगों को हम लोग ट्रेन करते जाएंगे. विल टेक फीडबैक एंड बेस्ड ऑन फीडबैक अगेन हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पे प्रोसेस में चेंजेस की जरूरत है ना, और ये सेम रिविजन कंटिन्यूअस चलते रहेगा. तो एज यू कैन सी अगेन हम लोगों को वापस कहीं पे अगर वीवी मॉडल में अगेन वापस कहीं पे चेंजेस की जरूरत है, अगेन ये सेम साइकिल विल कीप ऑन गोइंग. सो दैट इज द वेरी सिंपल थिंग. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज यूनिट 4. वी आर डन विथ थर्ड यूनिट, ये आपका लास्ट पार्ट था. ओके, सो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 4. आई होप देर आर नो डाउट्स इन यूनिट 3. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क एनीवन एनी डाउट्स. सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 4 नाउ. एनीवन एनी डाउट्स? हेलो? नो सर. ओके, ठीक है.
So we'll start with unit 4 now. Remember, the first 3 units are the most lengthiest one. Unit 4 onwards, things will be quite faster because same things are already done in first 3 units. So first 3 units mein dekho, maine bahut zyada time liya hai. बहुत डिटेलिंग में आपको बताया. इफ यू आर नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट, जस्ट गो एंड रिविजिट दो सेम लेक्चर्स. दैट इज द ओनली वे लेफ्ट. ओके, सो वील स्टार्ट विद यूनिट 4. ओके, दिस नोट्स इज ऑलरेडी शेयर्ड विद एवरीवन. मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट नोट्स शेयर किया है. सो यूनिट 4 बेसिकली टॉक्स अबाउट फर्स्ट पार्ट. हम लोग का यूनिट 4 में वी हैव टोटल 4 चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट वेरिफिकेशन वैलिडेशन, देन टेस्टिंग, बहुत सिंपल है, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन. सो वी विल स्टार्ट विद वेरिफिकेशन वैलिडेशन पार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट विद वेरिफिकेशन वैलिडेशन पार्ट, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक ग्लांस ऑफ हाउ वी टेक द हेल्प ऑफ वी मॉडल. ठीक है, सिंपली वी मॉडल आएगा यहाँ पे, और वी कॉल इट वीवी मॉडल. तो आप वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल भी बोल सकते हैं, और वी कॉल इट वी मॉडल एज वेल इन जनरल. सो बोथ द नेम्स आर सिमिलर फॉर दिस. सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन नाउ. ओके, सो एज यू कैन सी, दिस इज वीवी मॉडल या वी मॉडल, जो भी आप बोलेंगे. सो हम लोग इसको, दिस पार्ट इज वेरिफिकेशन पार्ट, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज वैलिडेशन पार्ट. सो वैलिडेशन में मेनली टेस्टिंग आएगा. ओके, एंड इसको वी ऑल्सो कॉल्ड इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या पॉइंट आएंगे? यूनिट टेस्ट आएगा, देन सेकेंड इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा, सिस्टम टेस्ट आएगा, एंड फोर्थ एक्सेप्टेंस टेस्ट. देन in SDLC, this part will be part of SDLC, software development, jahan pe first will be requirement gathering, system design, architecture design, module design, and focus will mainly on the coding part or development part. theek hai, so dekho yahan pe requirement gathering, analysis, system design, ye sab aa gaya. so SDLC ya verification part jo hai, usme aapka designing points aayenge, and validation mein aapka testing wala part aayega. So I hope we all are clear with this diagram. मैं ये same diagram आपके साथ share भी कर रहा हूँ. So make sure you have this diagram always with you. Remember ये diagram जो है, इसके base के ऊपर will be discussing unit 4 now. So as you can see, we have validation verification part. So validation verification में क्या होगा? Are we building the system right? कैसे check करेंगे? तो वेरिफिकेशन में क्या क्या आएगा? सॉफ्टवेयर गैदरिंग एनालिसिस, देन सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, डिटेल डिजाइन, और बाद में कोडिंग आएगा. तो वेरिफिकेशन में हम लोग चेक करेंगे कि रिक्वायरमेंट जो मिला था उसके हिसाब से डिजाइन आर करेक्ट और नॉट, सिस्टम डिजाइन इज करेक्ट और नॉट, आर्किटेक्चुरल डिजाइन इज करेक्ट और नॉट, है ना, डिटेल डिजाइन इज करेक्ट और नॉट, वेरीफाई करेंगे. वैलिडेशन में आपने जो ऑलरेडी बना दिया है, आफ्टर डेवलपमेंट वैलिडेशन पार्ट चालू होगा, जहां पे हम लोग सब टेस्ट करेंगे. सो एज यू कैन सी, वेरिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? रिव्यूज, मीटिंग्स, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करो, डिजाइन्स अपडेट करो, ये सब कुछ आएगा. एंड वैलिडेशन में क्या आएगा? टेस्टिंग, बराबर है. सो वैलिडेशन में वी हैव मेनली 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट. और अगेन एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर आपके 2 पार्ट्स आते हैं, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स, इफ यू रिमेंबर ऑलरेडी किया है हम लोगों ने. So execution of code is not comes under verification. याद रखो, V model जो हम लोगों ने पढ़ा. So we have this V model. So देखो, ये जो part है, ये आपका verification वाला part है. Requirement gathering analysis, design, architecture design, module design. Coding जो है, it's not a part of verification or validation. बराबर है. ये individual part है. Coding होने के बाद में then again validation start होगा. So as you can see. एग्जीक्यूशन ऑफ कोड कम्स अंडर वैलिडेशन. क्यों? बिकॉज हम लोग ने ये जो डेवलप पार्ट है, इसको ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ना फॉर यूनिट टेस्ट. सो कोडिंग के बाद में क्या आएगा? यूनिट टेस्ट आएगा.
जो हम लोगों ने डेवलप किया उसी को तो हम लोग इनपुट डाल के टेस्ट करेंगे, बाद में एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ इंटीग्रेट करके विल बी टेस्टिंग, देन सारे जो यूनिट्स या मॉड्यूल्स है उसको कंबाइन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, सिस्टम टेस्ट आएगा. नाउ रिमेंबर व्हाई वी आर यूजिंग वी मॉडल. सो एज यू कैन सी वी हैव रिक्वायरमेंट एनालिसिस. अब फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्ट अगर क्लियर हो गया तो रिक्वायरमेंट टेस्टिंग जो है दैट वॉज करेक्ट. रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग में जो रिक्वायरमेंट हम लोगों ने गैदर किए थे, सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव एक्सेप्टेंस टेस्ट विच इज क्लियर वन. नाउ सिस्टम टेस्ट जो है तो उसके बेस के ऊपर सिस्टम टेस्ट होगा, सिस्टम डिजाइन के बेस के ऊपर, सॉरी आर्किटेक्चर डिजाइन के बेस के ऊपर इंटीग्रेशन टेस्ट होगा, एंड मॉड्यूल डिजाइन के बेस के ऊपर भी है यूनिट टेस्ट. ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. सो अभी अगर आप देखेंगे, वी हैव दिस टेबल विद अस. सो ये टेबल में इफ यू नोटिस एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड, एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड इज नॉट कम्स अंडर वेरिफिकेशन, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज कम्स अंडर दिस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का टेस्टिंग अप्लाई हो रहा है ना. यहाँ पे आपका कौन से पार्ट्स आएंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन फिजिबिलिटी स्टडी आएगा आपका. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, वन इज इकोनॉमिक, देन ऑपरेशनल, टेक्नोलॉजिकल एंड शेड्यूल फिजिबिलिटी, चार आएंगे. उसके बाद में डिजाइनिंग आएगा, तो सिस्टम डिजाइन आएगा आपका, सिस्टम डिजाइन के अंदर बाद में आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन आएगा, हाई लेवल डिजाइन आएगा एंड डिटेल डिजाइन आएंगे. ठीक है, तो ये सब पार्ट्स उसमें जाते जाते हैं. देन उसके बाद में कोडिंग आएगा. सो कोडिंग जो है वहां से फिर आपका, कोडिंग से आपका क्या होगा, वैलिडेशन वाला पार्ट चालू होगा. सो इन कोडिंग वी हैव यूनिट टेस्ट, बराबर है, यूनिट टेस्ट के बाद में आएगा इंटीग्रेशन टेस्ट. इन इंटीग्रेशन टेस्ट अगेन वी हैव टू टाइप्स, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, ये सब हम लोगों ने किया है. देन उसके बाद में सिस्टम टेस्ट आएगा इंटीग्रेशन के बाद में. सो इन सिस्टम टेस्ट वी हैव थ्री टाइप्स, बराबर है, परफॉर्मेंस टेस्ट आएगा, फंक्शनल टेस्ट आएगा एंड ऑपरेशनल टेस्ट आएगा. देन इसके बाद में आफ्टर सिस्टम टेस्ट वी हैव एक्सेप्टेंस टेस्ट. इन एक्सेप्टेंस टेस्ट वी हैव व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. सो यही पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको सेम चीज दी है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू नोटिस, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, दैट्स वेरिफिकेशन, एंड आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, मतलब टेस्टिंग होगा बनाने के पहले, प्रोडक्ट बनाने के पहले जो रिक्वायरमेंट एंड डिजाइनिंग होगा वो वेरिफिकेशन का पार्ट होगा, प्रोडक्ट बनने के बाद में जो टेस्टिंग होगा वो वैलिडेशन का पार्ट होगा. सो वीवी प्रोसेस आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. सो देखो स्टैटिक एंड डायनेमिक वीवी प्रोसेस रहेंगे. स्टैटिक मतलब वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल विद अस और उसमें ज्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो इफ यू नोटिस रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हाई लेवल डिजाइन, फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, डिटेल डिजाइन आएगा एंड प्रोग्राम आएगा आपका. तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम लोग एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, फाइनली डेवलपमेंट होने के बाद में प्रोग्राम टेस्टिंग जो होगा, ये टेस्टिंग में आपके बहुत सारे सब टाइप्स आएंगे, तो वो टेस्टिंग को हम लोग वेरीफाई करेंगे विद द प्रोटोटाइप. सो प्रोग्राम टेस्टिंग वी ऑल नो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, दो टाइप के टेस्ट आएंगे. डिफेक्ट टेस्ट रहेगा, डिफेक्ट टेस्ट अभी मैंने आपको यही लेक्चर में फाइव टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स बताया थे. सो वो आएगा. वैलिडेशन टेस्टिंग जो है, वैलिडेशन टेस्टिंग आपका चार पार्ट में रहेगा, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट. तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने जो अलग अलग लेवल के डिजाइन बनाए थे, जैसे अभी हम लोगों ने वी मॉडल में देखा, सो वी हैव मॉड्यूल डिजाइन, तो यूनिट टेस्ट क्या करेगा, विल वेरीफाई कि मॉड्यूल डिजाइन जो बना था वो अप टू द मार्क है या नहीं, और उसके बेस के ऊपर प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं. इंटीग्रेशन टेस्ट के बेस के ऊपर विल वेरीफाई अबाउट, विल वेरीफाई आर्किटेक्चर डिजाइन. सिस्टम डिजाइन के बेस के ऊपर विल वेरीफाई सिस्टम टेस्ट, राइट. सो वही होगा वैलिडेशन में. टेस्टिंग एंड डीबगिंग, ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है ये टेस्टिंग क्या करेंगे, डिफेक्ट्स फाइंड करेंगे या एरर्स फाइंड करेंगे, एंड देन डीबगिंग का मतलब है कि जो बग्स या डिफेक्ट्स आपको मिले, सॉल्व दोस डिफेक्ट्स और बग्स, बराबर है. सो डीबगिंग इज कंसर्न विद लोकेटिंग एंड रिपेयरिंग दिस एरर्स
Debugging involves formulating a hypothesis about the program behavior, then testing this hypothesis. Debugging process में क्या होगा, test result आपको मिला जिसमें errors मिला हम लोगों को. अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन से फाइंड करेंगे कि ये एरर्स जो इसका मेन रीजन क्या है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे. रिपेयरिंग का काम चालू होगा. रिपेयरिंग का मतलब है कि जहां जहां पे कोड में एरर है वो कोड को हम लोग रीडिजाइन करेंगे, वो कोड का सर्टेन पार्ट को हम लोग चेंज कर देंगे एंड अगेन विल रीटेस्ट द सेम प्रोग्राम, है ना. और वो कौन से बेस पे करेंगे, द टेस्ट केसेस जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, टेस्ट केसेस जो एक्सेल फाइल हम लोग बनाते हैं उसके बेस के ऊपर. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय वीवी प्लानिंग. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम थिंग इज गिवन हियर एज वेल. मैंने आपको जो बताया वो डायग्राम सीधा वे में वी मॉडल है. ये आपका हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है. दिस इज द वर्टिकल वी मॉडल. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में दिया, नथिंग एल्स. तो वही है सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान, टेस्टिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी का होगा. तो सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान में क्या होगा, टेस्टिंग द प्रोसेस लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर फेजेस ऑफ द टेस्टिंग. Then requirement traceability में users are most interested in system meeting its requirement. मतलब मैंने जो functions बोले थे वो same functions आपके वहाँ पे develop हुए या नहीं उसके base के ऊपर हम लोग बात करेंगे. Then tested items में क्या बोला है, the product of the software process that are to be tested should be specified. Then test schedule, कौन से time में हम लोग exactly कौन से test कभी तक आपको complete करना है वो find out करेंगे. Now remember testing schedule. To meet the testing schedule, sometimes we use or we take the help of readily available market में there are companies जो आपको readily software provide करता है और वो software use करके हम लोग directly unit test, stress test, load test ये directly testing कर सकते हैं. तो आपको खुद से वो manually test करने की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, but of course they charge you money. Like वो जो आपको software या support provide करेंगे for that they on monthly basis they charge like $300, $350, $400 ये उनके fees होते हैं, charges होते हैं. Then test recording procedures. Now remember test recording का मतलब क्या है कि एक बार मैंने login या sign up किया, I got the output, correct. But it doesn't means कि after logging for 100 or 1000 time it will process the same result. So, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी यूज सम ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल जहां पे आप जो भी कुछ टेस्ट करेंगे ये इसको रिकॉर्ड करेगा एंड अगेन व्हेन यू प्ले दैट रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली इट विल कीप ऑन एंटरिंग द सेम वैल्यूज. और वहां पे हम लोग चेक करेंगे कि आफ्टर 10th, 20th, 100th or 200th लॉग इन योर सिस्टम बिहेव्स इन द सिमिलर वे और नाउ इट स्टार्टेड जनरेटिंग सम ऑर द अदर एरर्स और परफॉर्मेंस गेट्स डिक्रीज्ड और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है. सो टेस्ट रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स है जहां पे रनिंग द टेस्ट इज नॉट इनफ बट यूजिंग लाइक वी हैव अ सिलेनियम. नाउ रिमेंबर सिलेनियम, जैसे आपके फोन में वी हैव अ वीडियो रिकॉर्डिंग बटन. सो एज सून एज यू प्रेस ऑन दैट रेड बटन जो भी आप टेस्टिंग करेंगे वो रिकॉर्ड होना चाहो, मतलब जो भी कुछ आपको रिकॉर्ड करना है इट विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग दोज थिंग्स. So once you again press the same, तो आपका recording बंद हो जाएगा. तो आपने 1 minute, 2 minute, 5 minute जो भी कुछ record किया है that will gets converted into a video and you can play that video n number of times. So exactly same thing goes on with Selenium IDE as well. उसका एक plugin आपको मिलता है. You can download that plugin on Mozilla or a Chrome browser. तो वहाँ पे आपको tools में Selenium IDE मिलेगा. As soon as you click on Selenium IDE, like we have this browser, ठीक है. Now ये browser में if I add Selenium ID, so उससे क्या होगा कि like if I click here, so यहाँ पे हम लोगों के पास कोई tools नहीं है. यहाँ पे देखो, we have some tools available, ठीक है. अब ये same way में मेरे पास जो टूल्स है ना वो सिमिलर वे में आई विल फाइंड टूल्स ऑन मोज़िला फायरफॉक्स एज वेल. तो वो जो टूल्स रहेंगे ना वो टूल्स का बेसिकली हेल्प क्या होगा, दैट विल हेल्प यू टू रिकॉर्ड योर टेस्टिंग पार्ट. ओके, लाइक वी हैव जस्ट 1 मिनट. ओके, सो देखो यहाँ पे इफ यू नोटिस on Mozilla Firefox we have this options available, ठीक है.
So यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा, so as soon as I install that plugin or that part, which part I'm talking about? I'm talking about Selenium. तो वो यहाँ पे आपको Selenium मिल जाएगा, ठीक है? और as soon as I click on that Selenium, आपका जो ब्राउजर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक साइड पे Selenium होगा, एक साइड पे आपका नॉर्मल ब्राउजर रहेगा. रेड कलर का बटन मिलेगा आपको. ओके, सो देखो यहाँ पे दिस इज हाउ इट वर्क्स. आई जस्ट ओपन. ओके, सो देखो ऐसा आपको एक विंडो मिलेगा Selenium IDE का. यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव रेड बटन. तो अब जैसे ही मैं अपना ब्राउजर को एक साइड ब्राउजर में ये ऑप्शन दिखेगा, यू विल गेट दिस रेड बटन. और उसके बाद में सेकेंड विंडो में आई जस्ट गो टू गूगल सपोज, और लेट सपोज आई एम गोइंग टू दिस बुक माई शो, ठीक है? सो अभी मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया है ये Selenium का, ये रेड बटन प्रेस करके, ठीक है? यू सपोज टू इंस्टॉल इट, आपके मोजिला में टूल्स में वो ऑप्शन दिख जाएगा. मैंने कहां पे बोला, यहाँ पे वी हैव टूल्स, ये टूल्स में आपको Selenium IDE का ऑप्शन मिल जाएगा. नाउ एज सून एज यू क्लिक ऑन Selenium IDE, ऐसा ऑप्शन आएगा आपके, आपका विंडो ब्राउजर दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक साइड पे ऐसा विंडो दिखेगा. क्लिक ऑन दिस रेड बटन, और उसके बाद में जो भी वेबसाइट या जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको टेस्ट करना है, यू गो टू दैट. जैसे मैं यहाँ पे गया, ठीक है, आई गो एट हियर. तो अब मैं बुक माई शो पे गया, वहां से मैंने मूवीज पे क्लिक किया. मूवीज पे जाके अगर मैं कोई मूवी टिकट्स बुक करने पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स जो है ना उसके लिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कमांड्स जनरेट करेगा. एंड एज सून एज आई अगेन प्रेस रीप्रेस दिस रेड बटन, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा. और रिकॉर्डिंग चालू करने से रिकॉर्डिंग बंद करने तक मैंने यहाँ पे ये ब्राउजर पे जो भी स्टेप्स फॉलो किए, जैसे मैंने यहाँ पे ये मूवी है सपोज, इसको मैंने सिलेक्ट किया, बुक टिकट्स पे क्लिक किया मैंने. सो जब मैं यहाँ पे बुक टिकट्स पे क्लिक कर रहा हूँ और जो भी ऑप्शंस मुझे आ रहे हैं, द वे आई एम ट्राइंग टू एंटर माई क्रीडेंशियल्स, माई बुकिंग डिटेल्स, पैन कार्ड सॉरी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वो सब जो है वो ये रिकॉर्ड करेगा. रिकॉर्डिंग बटन स्टॉप कर दो. जो भी स्टेप्स आपने परफॉर्म किए थे उसके लिए सारे यहाँ पे कमांड्स ऑटोमेटिक Selenium IDE ने जनरेट कर दिए. इट विल स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद में वी हैव दिस ऑप्शन. ये देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास. ओके, सो यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन है. एक ग्रीन कलर का बटन है जहाँ पे ये देखो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, फास्ट या स्लो. फास्टर स्पीड पे अगर मैं करूंगा तो कंप्यूटर अपने स्पीड पे करेगा, सारे स्टेप्स परफॉर्म हो जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा. स्लो स्पीड पे करूंगा तो आप इजीली देख पाओगे कि ओके बुक माई शो ओपन हुआ, ये स्टेप्स फॉलो हुए, ये स्टेप्स फॉलो हुए, ठीक है? ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिटेल में. यू कैन फॉलो द सेम थिंग्स. ओके, नाउ विल अगेन गो बैक टू दिस पार्ट. As you can see, यहाँ पे हम लोगों के पास आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वी हैव टेस्ट रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, मैंने आपको बता दिया. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ऑफ कोर्स हम लोग कौन से टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहेगा, दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. ओके, वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा. हम लोग जो भी स्टैंडर्ड वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहते हैं. 1 GB ग्राफिक कार्ड पकड़ लो अगर कहीं पे कुछ अच्छा ग्राफिक्स या एनिमेशन है, 2 GB ऑफ रैम. तो ये आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट रखेगा, ब्राउजर अपडेटेड रिक्वायर्ड होगा. सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन, दिस इन्वॉल्व पीपल एग्जामिनिंग द सोर्स रिप्रेजेंटेशन विद द एम ऑफ डिस्कवरिंग कोई कंफ्यूजन. एनोमलीज का मतलब हो गया कंफ्यूजन या कोई डिफेक्ट्स है. वो डिफेक्ट्स क्या होंगे हम लोग को पता है. एंड उसके लिए वो क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट डिजाइन ये सब कुछ वो टेस्ट करेंगे और टेस्ट डेटा जो है वो भी ऐड करेंगे यहाँ पे. दे हैव बीन शोन टू बी अ इफेक्टिव टेक्निक फॉर डिस्कवरिंग प्रोग्राम एरर्स. इंस्पेक्शन सक्सेस में हम लोग को क्या बोला है, मेनी डिफरेंट डिफेक्ट्स मे बी डिस्कवर्ड इन अ सिंगल इंस्पेक्शन. इन टेस्टिंग वन डिफेक्ट मे मास्क अनदर, सो सेवरल एग्जीक्यूशंस आर रिक्वायर्ड. मतलब समटाइम्स इफ आई ट्राई टू रेक्टिफाई वन डिफेक्ट, मतलब
आप समझो कि मैंने साइन अप का कोड था, साइन अप कोड में मैंने चेंजेस कर दिए बिकॉज द साइन अप कोड वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. सो मैंने साइन अप में चेंजेस किए. अब साइन अप में जो आपने चेंजेस किए ना, इट लीड्स टू सम अदर प्रॉब्लम और डिफेक्ट एट सम अदर प्लेस, है ना. तो वो आपका प्रॉब्लम होता है कि आप एक साइड पे कुछ एरर या डिफेक्ट्स या कुछ बग सॉल्व करते हैं, अगेन यू विल फाइंड कि अगेन फ्यू अदर एरर्स आर अकरिंग देयर. So reviews domain and programming knowledge. So reviewers are likely to have seen types of errors. Inspection and testing, of course, ये हम लोगों को पता ही है. Program inspection में क्या होगा वो हम लोगों को पता है. Inspection precondition में क्या होगा वो भी हम लोगों को पता है. So देखो ये बहुत basic सी चीज़ है. मैंने आपको इसके लिए V model एक दो बार revise करा है. This is again in this lecture we are revising it because that's our main topic. Planning होगा, requirement gathering, analysis, review करेंगे. Analyze करने का मतलब है. इंडिविजुअल प्रिपरेशन चलेगा, इंस्पेक्शन मीटिंग होगा कि मतलब आपने जो फाइनल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया है वो प्रॉपर है कि नहीं, एंड अगर उसमें वापस कहीं पे अगर कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो हम लोग रिवर्क करेंगे. एंड जो जो चेंजेस एक्सपर्ट्स ने आपको प्रोवाइड किए वो आप वहां पे प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, इसका एक फॉलो अप मीटिंग चलेगा. तो इंस्पेक्शन का रोल किसका किसका क्या क्या रहेगा. आपने अपना टीवाई का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया, प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया, रिमेंबर वी हैव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जिसमें बेसिक डिजाइनिंग आ गया, व्हाई वी आर डेवलपिंग दैट प्रोजेक्ट, व्हिच आर द फंक्शंस व्हिच विल बी एडिंग देयर, व्हिच टेक्नोलॉजी विल बी यूजिंग, ये सारे डिटेल्स आपने ऐड कर दिया. सो एक कौन रहेगा फॉर दैट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, वी हैव ऑथर, द प्रोग्रामर और अ डिजाइनर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोग्राम और अ डॉक्यूमेंट, बराबर है. तो अब जो ऑथर है या जो ओनर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स एनी प्रॉब्लम्स जो वहां पे आएंगे. देन इंस्पेक्टर होगा, इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, जो इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट. तो अब इंस्पेक्शन का मतलब है ट्राई टू फाइंड सम एरर्स और बग्स, है ना, या कहीं पे कोई चीज अगर प्रॉपर नहीं है, सो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स और एरर्स. रीडर्स रहेंगे जो आपके कोड को रीड करेंगे, समझेंगे आपका डिजाइन जो अगर बना रहेगा उसको समझेंगे. देन सब्सक्राइबर है ये, बेसिकली वी हैव रिकॉर्ड, मतलब एक लॉग्स बनेगा. लॉग का मतलब होता है डायरी. तो वील प्रिपेयर अ लॉग, जैसे कॉलेज सिस्टम है तो कॉलेज सिस्टम, कॉलेज सॉफ्टवेयर या सिस्टम है तो उसका आपने अगर डॉक्यूमेंट बनाया तो अभी जो जो लोग आपका डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं द रीडर्स, वो क्या करेंगे आपको बताएंगे कि ओके स्टूडेंट मॉड्यूल का सब मॉड्यूल जो है जूनियर कॉलेज वाला साइंस सेक्शन वाला, उसमें ये कोई मिस्टेक है या ये एरर्स है. तो ये क्या किया है, जो भी लोग हैं दे आर प्रोवाइडिंग यू अ डिटेल इंफॉर्मेशन कि एट दिस प्लेस अंडर दिस मॉड्यूल अंडर दिस सब मॉड्यूल वी हैव दिस टाइप ऑफ एरर और जो आपको सॉल्व करना है ना. देन उसके आगे मॉडरेटर होगा, मॉडरेटर मतलब जो री इंस्पेक्ट करेगा सबको. एंड वी हैव चीफ मॉडरेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन और कहाँ पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना, और वो अपडेट हो रहे हैं या नहीं प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स. डेवलपमेंट डिजाइनिंग अगर हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड वे में हो रहे हैं या नहीं, वो आएगा. सो प्रोसीजर कैसे रहेंगे, ऑथर या ओनर जो है उसने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बना के दिया या कोड डेवलप करके दिया, उसके बाद इंस्पेक्टर्स रहेंगे जो एरर फाइंड करेंगे, रीडर्स रहेंगे जो बाकी का डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर इंस्पेक्शन चलेगा और उसका इंस्पेक्शन का मीटिंग होगा कि जैसे 10 लोगों ने रीड किया तो उनको बेसिक कोई एरर या कुछ प्रॉब्लम मिला क्या, ये सबको हम लोग लॉग्स में डायरी में मेंटेन करेंगे. तो उसके लिए कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करेगा, बराबर है. देन ये सब काम प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, किसी ने टेस्ट करके बता दिया आपको, लेकिन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू रीटेस्ट इट टू वेरीफाई इट कि जिसने बोला है कि ओके ये प्रोजेक्ट में ये डॉक्यूमेंट में यहाँ पे यही एरर या मिस्टेक है तो उतने ही है या और कोई भी है. तो उसके लिए चेयरमैन या मॉडरेटर रहेगा और उसके ऊपर चीफ मॉडरेटर रहेगा. तो चेयरमैन जो है वो रिपोर्ट किसको करेगा, चीफ मॉडरेटर को. एंड चीफ मॉडरेटर विल हैव अ लुक कि ओके दिस आर द एरर्स व्हिच वी आर बेसिकली फाइंडिंग इन फॉर दिस प्रोजेक्ट और वन ऑफ इट्स मॉड्यूल, सो वी कैन फॉलो दिस स्टैंडर्ड प्रोसेस. जो अभी न्यू टेक्नोलॉजिकली अपडेट्स कुछ आए हुए हैं वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं. कहीं कहीं पे हम लोग अपने SDLCs को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेस्टिंग प्रोसीजर्स चेंज कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग के कोई नए सॉफ्टवेयर या टूल्स ला सकते हैं. टूल्स मतलब सॉफ्टवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ऑटोमेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होगा, वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू टेस्ट आर सॉफ्टवेयर.
तो ऐसे कोई इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है वो ला सकता है. सो इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होगा ऑफकोर्स हम लोगों का. सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली नॉटिक मार्क करते जाएंगे कि ओके रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेक्ट है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेक्ट है, डिटेल डिजाइन करेक्ट है, आर्किटेक्चर डिजाइन करेक्ट है, केस टूल्स करेक्ट है, एल्गोरिदम सॉरी फ्लो चार्ट जो आपने डिजाइन किया है फॉर एनी वन पार्ट वो करेक्ट है ना. तो ये होगा. सो इंस्पेक्शन चेक चेक्स वन में क्या होगा, डेटा फॉल्स अगर कुछ रहेंगे, जैसे यहाँ पे आपको क्या बताया, आर ऑल प्रोग्राम वेरिएबल इनिशियलाइज्ड बिफोर देयर वैल्यूज आर यूज्ड, ये देखेंगे. बराबर है, मतलब आपको कोई एक वेरिएबल खाली फंक्शन के अंदर ही कहीं पे तो यूज करना है, लेकिन आप उसको ग्लोबल लेवल पे प्रोग्राम लेवल पे इनिशियलाइज कर रहे हैं. जैसे वी हैव क्रिएटेड वन क्लास दैट इज कैलकुलेटर. बराबर है, ध्यान से देखो, वी हैव वन क्लास दैट इज कैलकुलेटर, क्लास कैलसी. अब int a अगर मैं यहां पे यूज कर रहा हूं और मेरे पास यहां पे void add नाम का फंक्शन है और इसके अंदर मुझे ये a यूज करना है, उसके बाद और कहीं पे यूज नहीं हो रहा है, तो वो int जो है वो यहां पे क्रिएट होना चाहिए. दैट्स अ प्राइवेट वेरिएबल, नॉट अ पब्लिक और ग्लोबल वेरिएबल. तो वो हम लोग यहां पे देखते हैं. कोई एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स अगर क्रिएट किए, लाइक वी माइट बी हैविंग const पाई नाम का वेरिएबल, इंट पाई सॉरी फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, वो है हम लोग के पास. अगर मैंने कोई एरे क्रिएट किया हुआ है तो एरे को मैंने फ्लेक्सिबल साइज रखा हुआ है या फिक्स साइज का एरे रखा हुआ है वो देखेंगे हम लोग. तो ये टेक्निकल जावा का चीज है, प्रोग्रामिंग का चीज है, सिर्फ जावा नहीं नॉर्मली प्रोग्रामिंग का. देन कंट्रोल कंट्रोल फॉल्स अगर कोई आ रहा है, लाइक जो हम लोगों ने फॉर कंडीशन डाला हुआ है, वाइल कंडीशन डाला हुआ है, डू वाइल ऐड किया हुआ है कहीं पे हम लोगों ने, है ना, तो ये सारे कोई कहीं पे कोई एरर नहीं है वो देखेंगे. इनपुट आउटपुट फॉल्स, मतलब वी हैव सम वेरिएबल विच इज ऑफ इंटीजर टाइप बट जो मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ वो फ्लोट टाइप में आने वाला है. लाइक रिजल्ट स्टोर करने के लिए मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल ऐड किया, लेकिन रिजल्ट जो आपका जनरेट होगा वो कुछ ऐसा होगा. तो वी रिक्वायर्ड अ फ्लोटिंग टाइप, तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट आउटपुट फॉल्स में. ऑल आर इनपुट वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, उसका डेटा टाइप करेक्ट है, कोई अगर यूज नहीं हो रहे तो उसको हम लोग हटा देंगे. ये बेसिक से पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे. देन इंस्पेक्शन टू इंटरफेस. इंटरफेस मतलब GUI रिलेटेड कोई फॉल्ट है, डेटाबेस में अगर वो जा रहे तो डेटाबेस का कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा ना, वो देखेंगे. एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब रन टाइम को एक एरर आ रहा है क्या, वो देखेंगे हम लोग. ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्शन फॉल्ट में वी बेसिकली टॉक अबाउट GUI. डू ऑल फंक्शन एंड मेथड्स कॉल्स हैव अ करेक्ट नंबर पैरामीटर, डू फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर टाइप मैच, आर द पैरामीटर इन द राइट ऑर्डर और नॉट, इफ कंपोनेंट्स एक्सेस शेयर्ड मेमोरी, डू दे हैव द सेम मॉडल्स ऑफ द शेयर्ड मेमोरी स्ट्रक्चर, ये आएगा. स्टोरेज, स्टोरेज में वी आर टॉकिंग अबाउट कि इफ अ लिंक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, हैव ऑल लिंक्स हैव बीन करेक्टली रीअसाइंड और नॉट. जैसे वी हैव डेटाबेस में वी हैव स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में पहला मेरा रोल नंबर वॉज प्राइमरी की, ठीक है, रोल नंबर वॉज प्राइमरी की, बट नाउ सीट नंबर जो है इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया. तो अब वी हैव रिजल्ट टेबल, रिजल्ट टेबल में रोल नंबर पहले प्राइमरी की था जिसके बेस के ऊपर सबका रिजल्ट जनरेट हो रहा था, बट अभी आपको यहाँ पे जहाँ पे रिजल्ट टेबल में सीट नंबर जो है वो अभी फॉरेन की बन जाएगा इंस्टेड ऑफ रोल नंबर जो पहले फॉरेन की था इन रिजल्ट टेबल. दिस आर द चेंजेस विच शुड बी अप्लाइड. एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम एरर्स हैंडल करने के लिए, ट्राई एंड कैच वाला पार्ट. इंस्पेक्शन रेट, तो इंस्पेक्शन रेट में वी आर टॉकिंग अबाउट एज यू कैन सी 500 स्टेटमेंट पर आर हम लोग चेक करेंगे, 125 सोर्स स्टेटमेंट देखेंगे और उसमें नंबर ऑफ एरर्स कितने आ रहे हैं. सो इंस्पेक्शन रेट मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप एवरी आर चेक कर पा रहे हैं. बराबर है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ऑटोमेटेड स्टैटिक एनालिसिस, अब वीवी मॉडल के अंदर जो भी हम लोगों को यूनिट टेस्ट इंटीग्रेशन टेस्ट दिया हुआ है तो एक बार हम लोग खुद से करेंगे. अब एरर आ गया, हम लोग रीटेस्ट अगर कर रहे हैं तो वापस हम लोग खुद से नहीं करेंगे, विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल.
सो यहाँ पे देखो स्टैटिक एनालिसिस चेकलिस्ट जो बनेगा उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला है, डेटा फॉल्ट। डेटा फॉल्ट मतलब वेरिएबल जो है वो आपने प्रॉपरली एक तो डिक्लेयर नहीं किया है, या डिक्लेयर करने के बाद कभी यूज नहीं हो रहा है, कोई क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन जैसे वी हैव क्लास ऑब्जेक्ट नेम क्लास कैसी, अब इसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया सी वन, लेकिन जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो कैल वन नाम से कॉल कर रहा हूँ, भूल गया मैं। देन मैंने वेरिएबल एक बनाया विद द नेम इंट नंबर वन, ठीक है, एनओ वन करके बनाया, कॉल करने के टाइम पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ नंबर वन, ओके। तो आप देखो ये जो नाम है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो या तो कोई वेरिएबल यू इनिशियलाइज किया है लेकिन यूज नहीं हो रहा, कोई एक वेरिएबल आप कॉल कर रहे हैं वो कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, कोई एक वेरिएबल आपने दो बार असाइन कर दिया है, मतलब मैंने यहाँ पे क्लास कैल्सी बनाया, अब इसके अंदर मैंने इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया, अब ये पूरे प्रोग्राम में कहीं पे यूज नहीं हो रहा है एक्सेप्ट वी हैव अ वॉइड एड फंक्शन, और यहाँ पे मैं वापस इंट ए वेरिएबल बना रहा हूँ और उसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10, देन प्रिंट ए दिस क्लास क्लोज, यहाँ पे ये वॉइड मेन आएगा, देन उसके अंदर आई विल क्रिएट कैल्सी सी वन डॉट एड, दैट्स इट। सो अब देखो ये जो ए नाम का जो वेरिएबल यहाँ पे बना है वो यहाँ पे भी मैंने बनाया, यहाँ पे भी बना, बराबर है, और उसको मैं यूज कहाँ पे कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे ही कर रहा हूँ ना। सो ये हम लोग के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होता है, अनडिक्लेयर वेरिएबल कोई रहेंगे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है लेकिन आप वापस यूज नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल फॉल्ट है, कोई कोड अनरीचेबल चले गया, अनरीचेबल मतलब आपने उसको नेस्टेड फॉर लूप्स डाले हैं लेकिन ऐसे या इफ एल्स कंडीशन डाला है या स्विच केसेस डाले और उसमें से लास्ट कोई एक केस है जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है या वहां तक कभी हम लोगों का पॉइंटर पहुंच ही नहीं रहा है, या फिर इनपुट आउटपुट फॉल्ट है, मतलब आप जो इनपुट दे रहे हो वो सपोज फ्लोट टाइप में, आपका वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, या द आउटपुट वेरिएबल द रिजल्ट वेरिएबल सपोज इफ आई से आई हैव रिटर्न अ ऐड फंक्शन जहां पे इंट ए कॉमा बी है और यहाँ पे मैंने रिजल्ट वाला भी थर्ड वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर दिया है, ओके। सो अब एडिशन में तो ठीक है कि अगर मैं 2+2 करूंगा तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो इंटीजर में भी आएगा, लेकिन इफ आई हैव नाउ डिविजन फंक्शन, अब डिविजन फंक्शन में सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए बी एंड रिजल्ट को भी मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, बराबर है। नाउ व्हेन आई ट्राई टू डिवाइड 6/3 या लेट सपोज वी हैव 5/2, तो अब इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आएगा। Now, मैंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो इंटीजर टाइप में है, तो क्या होगा, इट विल जनरेट अ रॉन्ग रिजल्ट फॉर मी, सिंपल। सो इंटरफेस रिजल्ट्स पैरामीटर्स कहीं पे कोई प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है एंड सच अदर डिफिकल्टीज वी हैव। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेजेस ऑफ स्टैटिक एनालिसिस, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक वी हैव अ सी फंक्शन, तो stdio सी का ही आपका प्रोग्राम है, प्रिंट एरे लिखा हुआ है इंट, देन यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग मेन फंक्शन में, हम लोगों ने वापस एरे क्रिएट किया हुआ है, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया है, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिंट समथिंग। तो अब क्या हो रहा है, कोई लाइन ऑफ आपके जो वेरिएबल्स है अब पहले यूज नहीं कर रहे, फिर भी यहाँ पे भी आपने क्रिएट किया हुआ है, वापस नीचे भी आप क्रिएट कर रहे हैं, तो जो पहले एग्जाम्पल मैंने बताया था वही वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे। So, ऐसे ही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताया हुआ है, मैंने जो एग्जाम्पल बताया वैसा सिंपल सा कैल्सी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यूज ऑफ स्टैटिक एनालिसिस। सो अब देखो स्टैटिक एनालिसिस जो है वो हम लोग C++ में यूज कर सकते हैं या मेनली सी में यूज कर सकते हैं जो प्रोसीजर ओरिएंटेड है। डायनेमिक लैंग्वेजेस जो है C++, ASP.NET, C++ is not fully object oriented. I'm talking about a fully object oriented programming language, जिसमें मैं web application भी बना सकता हूँ, database connectivity भी दे सकता हूँ, बराबर है, network के लिए application भी बना सकता हूँ। तो Java, ASP.NET, C#, आपने sign देखा रहेगा, we have such sign, C#,
सी हैश आता है, तो ये है, या और कोई सच लैंग्वेजेस है, पाइथन है, तो ये देखो ये जो है ना ये हम लोग डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग स्टैटिक एनालिसिस ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा आपको, डायनेमिक एनालिसिस होगा। वेरिफिकेशन एंड फॉर्मल मेथड, क्या बोला है यहाँ पे, वेरिफिकेशन मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड, दे आर अल्टीमेटली स्टैटिक वेरिफिकेशन टेक्निक, दे इन्वॉल्व्स डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड मे डेवलप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट दैट आर प्रोग्राम कन्फर्म्स, देन आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ फॉर्मल मेथड्स में क्या बोला है, प्रोड्यूसिंग अ मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड अ डिटेल एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सिंपल है ये, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द फॉर्मल मेथड क्या होगा, क्लास क्लीन रूम प्रोसेस, क्लीन रूम प्रोसेस का मतलब क्या रहेगा, वी हैव फॉर्मली स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम, देन ऑपरेशनल प्रोफाइल बताया हुआ है, एंड उसके बेस के ऊपर वी आर डिफाइनिंग सम सिस्टम इंक्रीमेंट्स, लाइक अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज लाइक कि इफ वी हैव अ कॉलेज सॉफ्टवेयर विच वी वॉन्ट टू डेवलप देन विल बी फॉलोइंग एसडीएलसी, इंक्रीमेंटल एसडीएलसी ओनली, दैट इज द फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। डेवलप ऑपरेशनल पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इन इंक्रीमेंटल एसडीएलसी, इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर गोइंग टू बी देयर, उसके सब मॉड्यूल्स क्या रहेंगे, तो ये बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स, कहाँ कहाँ पे हम लोग को और अपडेट करने की जरूरत है, बिकॉज इफ यू हैव सम सॉफ्टवेयर, कॉलेज के पास हाफ सॉफ्टवेयर है एंड द रेस्ट हाफ और 1/4 software is already there, 25% software is already there with them, there's 75% of a software we supposed to develop. So formal specifications aayenge system ke, ki abhi 75% jo aapke requirements bache, wo kaun se. Then operational aapka jo profile rahega, jahan pe hum log which type of a developer will be adding here, because freshers jo hai, they won't help much. Because existing 25 के साथ में आपको नया सॉफ्टवेयर अटैच करना है, एंड दैट 25 माइट बी डेवलप्ड ऑन जावा एंड नाउ यू विल बी यूजिंग सपोज ASP.NET और PHP, तो अगेन वहां पे आपके क्या इंक्रीमेंट्स आएंगे वो बताएंगे हम लोग। सो कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, फॉर्मल क्या आपका कोड क्या है उसको वेरीफाई करेंगे, मतलब टेस्टिंग चलेगा, अगर एरर कुछ आया तो रिवर्क चलते रहेगा एज इट इज मेंशन हियर। डिजाइन स्टेटिस्टिकल टेस्ट, आपके बाय डिफॉल्ट जो कोड लिखेंगे उसको रन करके चेक करो, टेस्ट केसेस जो बनाएंगे उसके बेस के ऊपर। देन वी हैव इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो एज यू कैन सी वी हैव क्लीन रूम प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट दे हैव प्रोवाइडेड इज अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन यूजिंग अ स्टैटिक ट्रांजिशन मॉडल, ओके, जहां पे ट्रांजिशन मॉडल का मतलब है एज एन वेन आपका प्रोसेस में नए फंक्शंस जितने ऐड होंगे वो नए फंक्शंस के साथ में हम लोग वो प्रोसेस को और बेटर बनाएंगे। देन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट आएगा, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मतलब कस्टमर के साइड से ईच एंड एवरी टाइम वी आर गेटिंग न्यू और दी बेटर फंक्शंस, सो वो हम लोग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करते जाएंगे, उसके साथ में रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। नाउ रिमेंबर the programming languages languages like if I'm using Java, so let's suppose Java is not that comfortable with a cloud technology, cloud के लिए मुझे नया कोई programming language attach करना पड़ेगा, तो अब cloud के लिए मुझे development जो करना है, so cloud के जो functions like backup support अगर मैं provide कर रहा हूँ या और कुछ, तो whether I'm using a cloud service or the features or a functionality from a Google or I'm using it from Amazon or I'm using from Microsoft OneDrive, तो आप देखो कि for Microsoft we have other type of a cloud development functionality available with us. Then same way for Java we have Oracle का side से कोई functionality might be provided, या फिर Microsoft का ही facility use करेंगे, or we'll be using iCloud facility provided from Apple side. तो यहाँ पे हम लोग वो क्लीन प्रोसेस में बताएंगे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पे आपको चेंजेस या अपडेशंस की जरूरत है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन, अ स्टेट बेस्ड मॉडल इज अ सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस चेक्स प्रोग्राम अगेंस्ट इट्स मॉडल। सो क्लीन रूम प्रोसेस टीम्स में क्या आएंगे, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टीम, हर एक के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम, डेवलपमेंट टीम रहेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड वेरीफाइंग द सॉफ्टवेयर दैट इज टेस्टिंग, जो डेवलपर एंड पे होंगे, लाइक वी हैव व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्लेरिफिकेशन टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑफ द स्टेटिस्टिकल टेस्ट, स्टेटिस्टिकल टेस्ट मतलब इफ देर आर 100 पीपल और यूजर्स आर यूजिंग देन हाउ योर सिस्टम बिहेव्स,
एंड इफ देर आर 200 और 500 देन हाउ योर सिस्टम बिहेव्स, वो बताने के लिए रिलायबिलिटी कितना है, कितने बार फेलियर्स आ रहे हैं और फेलियर्स के बाद में वो रिकवरी कितना फास्ट कर रहा है, दैट इज द रिलायबिलिटी पार्ट. ओके, सो क्लीन रूम प्रोसेस इवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, वही सेम पॉइंट्स है, ये उसके फाइनल की पॉइंट्स है जो हम लोगों ने ऊपर टॉपिक में पूरा डिस्कस किया. नाउ आफ्टर दिस एज यू कैन सी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का हम लोगों ने बहुत बार चीजें डिस्कस किए हुए हैं. दिस इज वन ऑफ द मेन डायग्राम जो आप याद रख सकते हैं. कस्टमर रिक्वेस्ट आएगा, एनालाइज करो. इंप्लीमेंट मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कोड किया, डिजाइन एंड कोड. एज यू कैन रीड हियर डिजाइन एंड कोडिंग आएगा. इंटीग्रेशन में दो टाइप के टेस्टिंग आए, क्या है आपके, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट. देन वैलिडेट फंक्शनलिटी एंड नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स. नॉन फंक्शनल मतलब हाउ मच रैम इज रिक्वायर्ड, मिनिमम 4 Mbps इंटरनेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, ग्राफिक कार्ड्स आर रिक्वायर्ड, द सिस्टम फंक्शंस बेटर विथ विंडोज 10 इटसेल्फ, ये आएगा. एंड डिलीवर द सॉफ्टवेयर एंड रिकैप बेनिफिट्स ऑफ द सक्सेस इन योर बिजनेस. सो ये आपका बेसिक आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला पार्ट आ गया, रिक्वेस्ट डिलीवर, और उसके बीच में क्या होगा, ये आपका SDLC वाला पार्ट आया. तो टेस्टिंग जितना बेटर रहेगा उतना कस्टमर एंड पे आपके प्रॉब्लम जो है वो उतने ही कम होंगे. सो यहाँ पे आपको वही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बेसिक दिया हुआ है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैंने आपको ऊपर डायग्राम बता दिया उसी का एक्सप्लेनेशन है ये. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जो रहेंगे उनका मेनली क्या होना चाहिए, लाइक इफ यू हैव गेमर्स, अगर मैं गेमर्स को कोई एक पबजी टाइप अगर गेम टेस्ट करने दूंगा, सो दे हैव अ पैशन फॉर सच टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर, तो वो उसको बहुत डिटेल में टेस्ट करेंगे. बराबर है, मुझे हर एक इंडिविजुअल छोटा छोटा चीज जो है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे कैन टेस्ट इट देमसेल्फ्स. देन टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग मतलब दे आर नॉट जस्ट पीपल हु आर प्लेइंग द गेम, बट दे ऑल्सो डू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड. जैसे अगर हम लोग के पास IT के इफ यू हैव पीपल फ्रॉम IT ओनली हु आर प्लेइंग PUBG, जिनको बेसिक नॉलेज भी है डेवलपमेंट का, गेम डेवलपमेंट का, पूरा बनाने नहीं आता है, दैट्स फाइन. लेकिन विच लैंग्वेज विल बी यूजिंग, कहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक कंसेप्ट हम लोग स्कूल कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे, अगर उतना भी है दैट्स फाइन. देन एनालिटिक स्किल्स. एनालिटिक स्किल्स में बेसिकली ट्राई टू एनालाइज हाउ योर सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट, हाउ पीपल कैन यूज इट. कोई एक बैकडोर या चीट कोड आपने बनाया, वो बाकी यूजर्स के पास आ गया है क्या. एटीट्यूड का मतलब होता है कि मार्केट में आपको कंपटीशन में, आपके गेम को कंपटीशन में टॉप पे रहना है. सो टेस्टिंग जो है वो लेवल का होना चाहिए. कहीं पे अगर आपको कोई अगर मिस्टेक्स अगर मिल रहे, वी सपोज टू मॉडिफाई इट और वर्क थ्रू इट. प्रोडक्टिविटी में विल बेसिकली टॉक अबाउट की ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स विल बेसिकली टॉक अबाउट की ओके द सॉफ्टवेयर विच वी हैव डेवलप हाउ मच इट इज बेटर. एंड फाइनली क्लियर कम्युनिकेशन शुड बी देयर बिटवीन ऑल द टीम मेंबर्स, जो भी हम लोगों के रहेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टर वाला पार्ट. उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है डायग्राम का. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, एक बेसिक आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए जो भी हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम लोगों ने क्या बोला है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. वन इज कंपोनेंट टेस्टिंग, नेक्स्ट वी हैव इज सिस्टम टेस्ट. बराबर है. सो कंपोनेंट टेस्ट अगर आप देखेंगे, टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम, इसको हम लोग कंपोनेंट टेस्ट बोलेंगे. बराबर है. जहां पे कोई एक आपने प्रोग्राम लिखा है तो उसके अंदर कोई मिस्टेक है या और कोई प्रॉब्लम है, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे. देन वी हैव कंपोनेंट टेस्ट एंड सिस्टम टेस्ट. सो कंपोनेंट इंडिविजुअल कंपोनेंट विल बी टेस्टिंग. सिस्टम टेस्ट में क्या आएगा, अंदर सिस्टम टेस्ट वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटिंग दिस कंपोनेंट्स. बराबर है. या टेस्टिंग द सब सिस्टम, इसको आप सिस्टम टेस्ट बोलेंगे. सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग डिस्कस किए बहुत बार. टेस्टिंग फेजेस क्या रहेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर विल बी वर्किंग ऑन कंपोनेंट टेस्ट, और उसके बाद में सिस्टम टेस्ट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, जहां पे आपके सारे जो कंपोनेंट्स या सारे जो सब मॉड्यूल्स या आपके सारे जो यूनिट्स है
विल बी कंबाइनिंग ऑल दोज यूनिट्स और कंपोनेंट्स टुगेदर और एक सिंगल सिस्टम या सॉफ्टवेयर वे में हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे. डिफेक्ट टेस्ट ऑलरेडी वी आर डन विद. फाइव टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ये आइडेंटिफाई करेंगे, क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर. टेस्टिंग प्रोसेस गोल्स कौन से रहेंगे? डिफेक्ट टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग. वैलिडेशन टेस्टिंग में क्या आएगा? डेमोन्स्ट्रेट द डेवलपर एंड द सिस्टम कस्टमर दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट. सो वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर आपका क्या क्या आएगा ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. सक्सेसफुल टेस्ट शोज. अब यहाँ पे वी आर इन दिस पार्ट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्ट. व्हाइट बॉक्स डेवलपर एंड पे होगा एंड ब्लैक बॉक्स विल बी ऑन यूजर एंड. सो इफ यू कैन नोटिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेजेस क्या रहेंगे? डिजाइन अ टेस्ट केस. टेस्ट केस को हम लोग आगे क्या करेंगे उसके लिए वो जो हम लोगों ने टेस्ट केस डिजाइन किए लाइक इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने लॉग इन के लिए एक टेस्ट केस एग्जाम्पल देखा था तो उसमें हम लोग क्या डेटा एंटर करेंगे. If I have developed a test case for login, so which username I supposed to enter, which password I supposed to enter, वो test data prepare किया, then test data को follow करके, हम लोगों ने we have executed the program, we have entered the same test data जो हम लोगों ने test case के साथ में prepare किया था, then we'll check for the results, whether that results is matching with the actual result or not. I hope you remember. We basically develop such test cases. मैं आपको वापस एक बार वो टेबल बता देता हूं. So as you can see, we'll be having such table. Test case, steps, description, status, pass, fail, expected result, actual result. और कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स अगर डालने हैं तो वो ऐड कर सकते हैं. So we'll be customizing such thing. Test ID डालेंगे, test scenario डालेंगे, test cases डालेंगे, है ना? So यहाँ पे अगर आप देखेंगे same thing is given here as well. So देखो we have such test tables. Okay, we have this table as you can see here. First we have test ID. So test ID का मतलब क्या रहेगा? Test ID means we have test ID 1, 2, 3, 4. तो अगर कहीं पे error अगर आ रहा है so I won't be mentioning you okay there is a error in professor login, student login, principal login. I'll just mention ki okay there is a error in test case ID TC login 001. Verification test scenario क्या है? What is the test scenario here? Verify the login with Gmail. टेस्ट केस में व्हाट वी आर गोइंग टू एंटर? वैलिड यूजर आईडी, वैलिड पासवर्ड. सेम टेस्ट आईडी है, वेरीफाई द लॉगिन. यूजर नेम करेक्ट एंटर करो, पासवर्ड रॉन्ग एंटर करो. सेम टेस्ट केस, इनकरेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड. फोर्थ यूजर केस, इनकरेक्ट यूजर नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड. हम लोगों ने देखा था वी आर लाइक both first time both are true, username and password. This is my username, this is password. Then second time kya hoga? Username is correct, password is wrong ya false. Then password or username false, password correct. Then fourth time both will be false. So uske base ke upar these are the steps. Kya steps aapko follow karne? Login ka iske liye aapko lagega ki bahut simple hai, ye steps ki zyada zarurat nahi hai. बट हम लोग एक्चुअल फंक्शनिंग जब टेस्ट करेंगे सो दिस इज रिक्वायर्ड. देन टेस्ट डेटा, वैलिडेट यूजर नेम, वैलिडेट पासवर्ड, वो हम लोगों ने बोला. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है? सक्सेसफुल लॉग इन होना चाहिए था फर्स्ट टाइम. और पोस्ट कंडीशन में हम लोग बताएंगे कि ओके जी मेल इनबॉक्स इज शोन, मतलब एक्चुअल रिजल्ट मैच विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. टेस्ट क्या हो गया? पास हो गया आपका. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेस्ट पास. अब यहाँ पे सपोज मेरा टेस्ट कंडीशन जो था री लॉग इन बटन दिखना चाहिए था, एक्चुअल रिजल्ट नहीं हुआ, मैं लिखूंगा टेस्ट फेल हो गया. सेम यहां पे मैंने बोला टेस्ट पास हो गया, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो सेम यहां पे मैच आ गया. सेम एक्सपेक्टेड रिजल्ट हियर, दिस टेस्ट इज पास. सो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मुझे डेवलपर को देना है. सो आई विल जस्ट से टी सी लॉग इन 001, ओके. और उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा यहां पे? सपोज मैं लिखूंगा कंडीशन 3, कंडीशन 3 और कंडीशन 2 फेल.
कंडीशन टू फेल्ड. ओके सो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स. ये आपका टेस्ट डेटा या टेस्ट केसेस हो गए जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं. ओके सो टेस्टिंग पॉलिसीज क्या रहेंगे? अभी हर किसी के अपने खुद के टेस्टिंग पॉलिसीज रहेंगे. लाइक वी विल बी फॉलोइंग दिस टेस्ट फर्स्ट फॉर कॉलेज सॉफ्टवेयर. सम अदर विल बी फॉलोइंग सम अदर सॉफ्टवेयर या फिर दे मस्ट बी यूजिंग सम रेडीमेड ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स एज वेल. सो वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वॉज द मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट बेसिक कंसेप्ट हियर. सो यहाँ पे हम लोगों का यूनिट 4 का जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया. नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट 4. ओके जस्ट वन मिनट. So after verification validation, next chapter itself talks about software testing, जिसमें हम लोग और डिटेल में अलग अलग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो टाइप्स है वो पढ़ेंगे. सो एज यू कैन सी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या हम लोग टेस्टिंग टाइप डिस्कस करने वाले, सिस्टम कंपोनेंट टेस्ट केस टेस्ट ऑटोमेशन. सो टेस्टिंग प्रोसेस में फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट टेस्टिंग. सो कंपोनेंट टेस्टिंग में आपको क्या बोला है, टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्राम components, है ना? Usually the responsibility of the component developer except sometimes for a critical systems. अब देखो critical, non-critical systems, compulsory, non-compulsory systems या software क्या होता है, ये मैंने starting में ही आपको बताया था. So remember, unit 4 and 5 going to be very quick, a rapid one. आपको अगर ये सारे concepts अगर proper सीखने हैं, your first 3 units concept should be very much clear with you. सो कंपोनेंट टेस्टिंग अभी प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया. नेक्स्ट वी हैव इज सिस्टम टेस्ट. सिस्टम टेस्ट मतलब टेस्टिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड टू क्रिएट अ सिस्टम और अ सब सिस्टम. सब सिस्टम मतलब पार्ट ऑफ योर सिस्टम. लाइक वी हैव इन कॉलेज सिस्टम सपोज वी हैव स्टूडेंट पोर्टल, तो वो सिर्फ हम लोग उतने जो कंपोनेंट्स रहेंगे उसको कंबाइन करके स्टूडेंट पोर्टल को सिर्फ चेक करेंगे. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम टू टेस्ट द कंप्लीट सिस्टम बेस्ड ऑन द सिस्टम स्पेसिफिकेशन. वी मॉडल का एग्जांपल याद करो, मैंने वी मॉडल जो है वो आपके साथ शेयर भी किया है. सो एज यू कैन सी वी हैव दिस डायग्राम विद अस. ओके सो ये डायग्राम अगर आप देखेंगे, सो I'll just again open it in the model. So देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे for software testing, system testing के लिए क्या होगा, system design should be clear. अगर system design अगर clear है तो system testing जो है वो success हो जाएगा. इंटीग्रेशन टेस्टिंग सक्सेस कब होगा, व्हेन वी हैव आर्किटेक्चर डिजाइन करेक्ट. एंड यूनिट टेस्ट सक्सेस कब होगा, व्हेन वी हैव अ मॉड्यूल डिजाइन व्हिच इज करेक्ट. सो दैट्स हाउ वी आर टॉकिंग हियर एज वेल. सिस्टम टेस्टिंग में हम लोगों ने क्या बोला है, द टेस्टिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड टू क्रिएट द सिस्टम और सब सिस्टम. टेस्ट आर बेस्ड ऑन सिस्टम स्पेसिफिकेशन. देखो यहाँ पे सिस्टम स्पेसिफिकेशन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम डिजाइन. सो अगर सिस्टम टेस्ट अगर पास करना है सो द सिस्टम डिजाइन शुड बी क्लियर वन. सो टेस्टिंग फेजेस क्या रहेंगे, फर्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर साइड पे कंपोनेंट टेस्टिंग होगा. कंपोनेंट टेस्टिंग मींस वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट टेस्ट. ओके एंड आफ्टर दैट वी हैव सिस्टम टेस्ट. सिस्टम टेस्ट मतलब इंडिपेंडेंट टेस्टिंग टीम जो है वो ये इंटीग्रेशन से बाद में सिस्टम टेस्ट पे जाएगा. तो वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा. डिफेक्ट टेस्टिंग, डिफेक्ट का मतलब है कोई एरर्स या बग्स आपको मिल गया. सो द गोल ऑफ डिफेक्ट टेस्टिंग इज टू डिस्कवर द डिफेक्ट्स. नाउ एज वी नो कि आप अगर कोई डिफेक्ट को इफ यू कैन जस्ट सॉल्व दोज डिफेक्ट एट डेवलपर एंड, देन इट्स क्वाइट ईजी एंड सिंपल. तो उससे आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि जब अभी आप नेक्स्ट टाइम कस्टमर साइड पे सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करोगे, सो देयर विल बी लेस नंबर ऑफ फेलियर्स फॉर दिस. सो अ सक्सेसफुल डिफेक्ट टेस्ट इज अ टेस्ट व्हिच कॉजेस अ प्रोग्राम टू बिहेव इन अ सम कंफ्यूजिंग वे.
बराबर है कि आपने जो एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है. फाइव टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा है. वी हैव क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, माइनर एंड कॉस्मेटिक. सो वही है यहाँ पे. सो डिफेक्ट टेस्टिंग टू डिस्कवर द फॉल्ट्स और डिफेक्ट्स. नाउ रिमेंबर इफ वी कैन आइडेंटिफाई सम डिफेक्ट, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, मैं वापस बता रहा हूं. इफ वी आइडेंटिफाई सम डिफेक्ट्स एट रिक्वायरमेंट लेवल, तो उसको सॉल्व करने का आपका कॉस्ट सपोज 10 रुपीज ही होगा. बट वही सेम अगर आप डिजाइनिंग फेज पे अगर आइडेंटिफाई करेंगे, ये कॉस्टिंग जो है वो आपका 50 रुपीज तक चले जाएगा. देन उसको ही आप अगर कोडिंग फेज पे आइडेंटिफाई करेंगे, दिस कॉस्ट विल बी 100 रुपीज. एंड आपने अगर मेंटेनेंस फेज, मतलब मेंटेनेंस फेज का मतलब क्या है, यूजर एंड पे जाने के बाद में, तो यही जो आपका रिक्वायरमेंट फेज पे जो काम आपका 10 रुपीज में हो रहा था, कोडिंग फेज पे इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज. एंड एट मेंटेनेंस मतलब आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑन क्लाइंट एंड, मतलब नाउ योर सॉफ्टवेयर इज एट अ क्लाइंट एंड और वहां पे फेलियर आ गया, नाउ दिस माइट कॉस्ट यू बिटवीन 500 रुपीज टू 1000 रुपीज. सो एज यू कैन सी कॉस्टिंग आपका कितना बढ़ गया. सो डिफेक्ट टेस्टिंग का यही मेन रहता है टू डिस्कवर डिफेक्ट्स एट अर्ली स्टेजेस. ठीक है, वेयर इट्स बिहेवियर इज इनकरेक्ट और नॉट इन कंफॉर्मेंस विद द स्पेसिफिकेशन. अ सक्सेसफुल टेस्ट इज टेस्ट दैट मेक्स द सिस्टम परफॉर्म इनकरेक्ट एंड सो एक्सप्रेस अ डिफेक्ट, हिडन डिफेक्ट्स वी कैन से, जो क्लाइंट साइड पे जाने के बाद में नहीं आना चाहिए. डेवलपमेंट में आ गया चलेगा, थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा जा रहा है बट इतना तो ज्यादा नहीं जाएगा. देन वी हैव वैलिडेशन टेस्टिंग टू डेमोन्स्ट्रेट टू डेवलपर एंड द सिस्टम कस्टमर. बराबर है, मतलब डेवलपर व्हाइट बॉक्स से पता करेगा और कस्टमर जो है वो ब्लैक बॉक्स से पता करेगा, ब्लैक बॉक्स. दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स रिक्वायरमेंट. अ सक्सेसफुल टेस्ट शोज दैट द सिस्टम ऑपरेट्स एज इंटेंडेड. So we start with the defect test and performs validation test later in the process. So it is very simple and I hope this is very clear to everyone. Okay, now next we have Okay, मैंने अनम्यूट नहीं किया था. सो आई विल अगेन कंटिन्यू विद दिस. अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, बोल रहा हूं और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज लेट मी नो. हेलो हेलो. यस सर. हेलो. या लास्ट मैंने कौन सा पॉइंट बोला था जहां से मैं म्यूट पे गया था, पता ही नहीं है ना. वेरी गुड सर, वो डायग्राम था. ओके, कौन सा? दिस डायग्राम. ओके ओके ओके, ठीक है. सो आई विल अगेन कंटिन्यू विद दैट डायग्राम. एंड सेकंड थिंग, थोड़ा एक आध बार है ना मुझे याद दिला देना अटेंडेंस का नेक्स्ट टाइम से. हम लोग का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होगा ना तभी. हाँ स्नेहा. आज मैं भूल गया एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर का अटेंडेंस लेने का, तो अभी मैंने लिया है, नो प्रॉब्लम.
बट नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिला देना एक बार. ओके, सो वी हैव दिस डायग्राम. इट टॉक्स अबाउट टेस्ट केसेस है जो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया. टेस्ट केसेस हम लोग एक एक्सेल फाइल टाइप टेबल ही बनाता है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन टेस्ट केसेस, उसके लिए क्या डेटा रहेगा, दैट इज ऑल्सो वी डिजाइन. एंड यूजिंग दैट टेस्ट डेटा हम लोग प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे. टेस्ट रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट से मैच हो रहा है कि नहीं, पास हो रहा है तो पास, फेल हो रहा है तो फेलियर का रिपोर्ट शुड बी गिवन टू डेवलपर्स सो दैट अगेन दे कैन वर्क ऑन इट. ठीक है. टेस्टिंग पॉलिसी, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल. नाउ ये बहुत जरूरी है. एग्जॉस्टिव टेस्टिंग मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक की ओके आई एम गोइंग टू गिव यू 100% डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर. That's quite impossible. We can't give 100% defect free software. ठीक है, because कोई भी software defect free 100% नहीं हो सकता. So if we have some software और उसको अगर मैं 100% defect free करने की अगर try करूंगा, it's going to take a lot of time. So we basically talk about solving defects. बराबर है, solving defects, okay, which are of critical और मेजर इन अ नेचर और मेनली मॉडरेट. ठीक है, तो ये टाइप के जो डिफेक्ट्स है ना, वो डिफेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं बाय फॉलोइंग टेस्टिंग पॉलिसीज. सो एज यू कैन सी टेस्टिंग पॉलिसी डिफाइन्स द अप्रोच. फॉर एग्जांपल, ऑल फंक्शन एक्सेस थ्रू अ मेन्यू शुड बी टेस्टेड. Combination of function आपको check करना है. Where user input is required, all function must be tested both with incorrect and with the correct inputs. So ये हम लोगों को test करना रहता है. Those are the testing policies. अब remember, test cases बनाते हैं हम लोग, Excel file table बनाते हैं और उसको फिर हम लोग follow करते हैं. और वो एक बार follow हो गया तो हम लोग testing जो है वो वहाँ पे stop कर देंगे. अगर किसी के ऊपर ह्यूमन डिपेंडेंस अगर कम है तो उसको हम लोग कम टेस्ट करते हैं. ह्यूमन डिपेंडेंस इज मोर तो उसको हम लोग ज्यादा टेस्ट करते हैं, ये याद रखो. सो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग में कभी कभी अगर कहीं पे ह्यूमन डिपेंडेंस अगर ज्यादा नहीं है तो उसको हम लोग फिर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे उस पर. आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू एवरीवन. नेक्स्ट वी हैव इज सिस्टम टेस्ट. सिस्टम टेस्ट में आपके क्या आएंगे, सिस्टम टेस्ट में आपका सारे जो आपके छोटे छोटे मॉड्यूल्स या यूनिट्स रहेंगे उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे साथ में. सो सिस्टम टेस्ट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, इंटीग्रेशन टेस्ट होना चाहिए, तभी तो सिस्टम टेस्ट होगा. बराबर है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग आएगा फर्स्ट उसके अंदर, सिस्टम टेस्ट के अंदर, मतलब सिस्टम टेस्ट के पहले आएगा इन शॉर्ट. तो टू फेजेस आते हैं. सिस्टम टेस्ट हम लोगों ने कर लिया, इंटीग्रेशन टेस्ट हम लोगों ने कर लिया, जहां पे वी बेसिकली ट्राई टू इंटीग्रेट और कनेक्ट वन कंपोनेंट विद another component या one part of your software with another part. बराबर है, ये आपका integration test होगा, है ना? So integrating different components of your system or a software. Then उसके बाद में क्या होगा, release test. Release test का मतलब है black box test. So ये acceptance level पे आता है. तो ये सब होने के बाद में finally आपका system test जो है वो clear होने के बाद में उसके ऊपर हम लोग incremental delivery जो है वो यहाँ पे involve करते जाएंगे. So system test के आगे अगर आप देखोगे तो involves integrating components to create a system or subsystem. और यहां से ही हम लोग कहीं ना कहीं कस्टमर को थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व करना चालू कर देंगे. ठीक है, और उसमें साथ में हम लोग अगर वापस अगर कुछ नया पार्ट अगर हम लोग बना रहे हैं सॉफ्टवेयर का, तो वापस उसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा. और वापस वो अगर हम लोग कस्टमर एंड पे थोड़ा थोड़ा पार्ट डिप्लॉय करते जा रहे हैं तो रिलीज टेस्टिंग भी आएगा, दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्ट. इंटीग्रेशन टेस्ट दो टाइप के रहेंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले. तो टॉप डाउन में क्या रहेंगे, टॉप मॉड्यूल्स आपके रेडी रहेंगे, बॉटम मॉड्यूल्स जो रेडी नहीं है उसके जगह पे हम लोग डमी मॉड्यूल्स ऐड करके क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे. बॉटम मॉड्यूल का मतलब, बॉटम अप इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहेगा, हम लोग बॉटम के ही कोई मॉड्यूल्स जो है वो कंबाइन करके उसको ऊपर ही वेरिफिकेशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ कॉलेज सिस्टम. नाउ कॉलेज सिस्टम के अंदर वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल. नाउ ये स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर वी हैव डिग्री एंड जूनियर कॉलेज. Now in junior college we have arts, science and commerce. अब हम लोगों का main point क्या है यहाँ पे, कि ये जो junior college है ये सबको मैं साथ में test कर रहा हूँ. ये इसको, ये आपका bottom up test हो गया. This is the bottom up test.
जिसमें से मेरा कॉमर्स वाला सेक्शन सब मॉड्यूल जो है वो रेडी नहीं है और आर्ट्स वाला जो है वो रेडी नहीं है, तो ये दोनों की जगह पे मैंने डमी डाला। साइंस वाला जो रेडी है उसको एज इट इज इंटीग्रेट करके मैंने चेक किया कि जूनियर कॉलेज के अंदर अगर कोई साइंस में स्टूडेंट आ रहा है तो उसको हम लोग एडमिशन दे पा रहे, उसका अटेंडेंस चेक कर पा रहे या नहीं, ये आपका बॉटम अप हो गया। टॉप डाउन मतलब टॉप के मॉड्यूल्स को हम लोग बॉटम मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेट करके चेक करेंगे, वो आपका टॉप डाउन होगा। बॉटम अप ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आफ्टर इंटीग्रेशन, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही आपको दिया है, वी हैव मॉड्यूल्स, उसके अंदर वापस सब मॉड्यूल्स है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग टेस्ट सीक्वेंस बता रहे कौन से मॉड्यूल्स को हम लोग कहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, दैट इज गिवन हियर। फ्रॉम दिस पार्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो आज मैं यहाँ पे ही रखता हूँ, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद टेस्टिंग अप्रोचेस। सो आज के लिए हम लोग यहां तक रखते हैं, सॉरी टेस्टिंग अप्रोच है, टेस्टिंग अप्रोच रिलीज ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स, ये मैं नेक्स्ट टाइम आपको कंटिन्यू कराऊंगा। सो यहां से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे यूनिट 4 का हम लोग का सेकेंड पार्ट है ये। आई होप आज जो भी मैंने बताया वो क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, एनीवन एनी डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं है किसी को? सर आप ये नोट्स ये वाली टीम्स में